चार धाम में श्रद्धालुओं को वाहन न मिलने से भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तीर्थ यात्रियों की संख्या बढ़ने के चलते इस तरह की दिक्कतें सामने आ रही है। साथ ही प्रशासन द्वारा वाहनों की व्यवस्था न किए जाने से तीर्थ यात्रियों में गुस्सा बना हुआ है। कल्लोल से हरियाणा से आए हैं और इस टाइम हम बद्रीनाथ से आ रहे हैं। काफ़ी टाइम हो गया और गाड़ियों की बड़ी दिक्कत है, गाड़ियाँ मिल नहीं रही। तो कोई प्रशासन प्रशासन क्या है कुछ भी नहीं। तो आप कब से कब से आप यहाँ पे खड़े हुए हैं? यहाँ खड़े हैं काफ़ी टाइम से। और आपको गाड़ी नहीं? गाड़ी तो बिल्कुल नहीं। कहाँ जाना है आपको? जाना तो ऋषिकेश। इन दिनों चार धाम यात्रा अपनी चरम पर है। इसके साथ साथ स्थानीय लोगों को भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सभी वाहन यात्रा मार्ग पर होने के चलते तीर्थ यात्रियों को वाहन नहीं मिलने से भारी दिक्कतें जोशीमठ में नजर आई। लोगों को कई घंटों तक इंतजार करना पड़ रहा है। देवभूमि न्यूज के लिए जोशीमठ से सोनू उनियाल की रिपोर्ट।